गंगोत्री की तरफ चले जा रहे हैं। जी हाँ, हर्षिल से आगे की यात्रा प्रारंभ हो गई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से गंगोत्री मात्र 15 किलोमीटर दूर रह गया है। जी हाँ, उत्तराखंड में। देखिए देवदार के वृक्ष किस तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे हैं। नीचे भागीरथी है, घुमावदार रास्ते। वाह, ओहो, जहाँ देखो प्रकृति ने अपनी छटा बिखेर के रखी है। ये पूरा आईटीबीपी का एरिया है। सितंबर 2021 में और दादाजी चले जा रहे हैं। गंगा माँ ने बुलाया। अब अपन भैरव घाटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ओहो, क्या घाटी है। पहुंच चुके हैं, यहाँ प्राचीन भैरव मंदिर है भैरव घाटी में। ये देखिए, यहाँ पे उधर मेन गेट की तरफ से हम आए हैं। इधर चलिए, आइए आपको मैं दर्शन करवाती हूँ। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर को चलते हैं। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। ओहो हो हो, ऊंचे पहाड़ भी हैं। ये देखिए देवदार के वृक्ष भी कितने ऊंचे हैं। चारों तरफ इधर से पहाड़ है। ओहो, ये हमारा मंदिर भी दिख रहा है। ऊपर आने पे ये सीन दिखाई दे रहा है। महाराज जी ने भैरव भगवान की पूजा करवाई, सबका मंगल हो। दादाजी वो बैठे हुए हैं, आराम से दर्शन करके बैठे हुए हैं। इस द्वार से अपन आए थे और वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। ये चारों तरफ एक बार फिर देख लीजिए। ओके बाय। मैं व दादाजी यहाँ पे गंगोत्री धाम पे आ चुके हैं और यहाँ पे बैरियर से हमारी गाड़ी अंदर आ चुकी है। चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण है। आज ही 18 सितंबर 2021 को धाम खुले हैं और हमारी किस्मत है कि हम आ रहे हैं उनके दर्शन करने। ये देखिए, ये गंगोत्री धाम का ये गांव है। चलिए चलते हैं। उत्तराखंड पुलिस लगी हुई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, इधर नीचे को भी रास्ते जाते हैं। लॉकडाउन के बाद अभी तो रास्ते खुले हैं, दुकानें ज़्यादातर बंद है। आज पहले ही दिन तो है। यहाँ पर दुकानों से प्रसाद और गंगा जल भरने के लिए ये बॉटलें ले चुके हैं। गंगा का फ्लो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह करीब 200 मीटर ये पक्की जगह पे चलते हुए मुख्य मंदिर के इधर अपन पहुँच चुके हैं। इधर भागीरथी की निर्मल धारा गंगा जी की दिखाई दे रही है। ऊपर मंदिर भी हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये देखिए, ये धारा बह रही है। ये गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। अब आगे ज्वाइन करती हूँ मैं। देखिए, हम गंगोत्री धाम पे पहुंच चुके हैं 18 सितंबर 2021। ये देखिए पट खुल गए हैं। माता की पालकी आ रही है गांव से। देखिए, दर्शन करिए। आइए प्रवेश करते हैं। आइए आइए आइए, दर्शन करिए माँ गंगोत्री धाम के। ओहो, अद्भुत दृश्य, अनुपम दृश्य। मेरे साथ साथ आप सब लोग दर्शन करिए। जय हो गंगा मैया। दूर से देखते से मेरा तो गला भर आया। वो किनारे पर गंगा जी बह रही हैं।
ये पूरा परिसर है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ। वो दादाजी साठे साहब चले जा रहे हैं, ये देखिए। ओ हो हो हो, वाह, ये पूरे परिसर है। चलिए अब अपन दर्शन करते हैं सब मंदिरों में और फिर नीचे को इस तरह गंगा भगीरथी, जहाँ पर भगीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को नीचे लाए थे, वहाँ दर्शन करने चलेंगे। ऊपर गौमुख से गंगा जी आती हैं और यहाँ मंदिर हैं उनके, और ये सारी गंगा जी बह रही हैं जो देवप्रयाग में जाकर मिलती है नीचे हरिद्वार के ऊपर। जय हो गंगे माँ। जी हाँ, हम गंगोत्री धाम, उत्तराखंड के गंगोत्री धाम, पवित्र चार धाम में से एक धाम है, वहाँ पर खड़े हुए हैं। लॉकडाउन के बाद आज 18 सितंबर 2021 को ये पट खुले हैं। हमारे सौभाग्य है कि हमें बिल्कुल एकांत में दर्शन हो गए हैं इनके, बिल्कुल कोई भीड़ नहीं है, आज ही पट खुले हैं। और ये देखिए, ये परिसर है, जगह जगह मंदिर है, ऊपर से चारों तरफ से घिरा हुआ परिसर है। दूसरे मंदिर भी हैं आसपास जो मैं अभी दर्शन करवाऊंगी। हर हर गंगे। मौसम भी बहुत सुहाना है, धूप खिली हुई है। और इंदौर से हम लोग आए हुए हैं, दादी जी, मैं और दादाजी। जी हाँ, 79 की उम्र में गंगा माँ ने बुलाया है इनको। ये देखिए ऊपर तक, इधर भी देखिए, फिर नीचे भी दर्शन करवाऊंगी मैं आपको। ओह, सब मंदिरों में अभी मैं दर्शन करती हूँ, बाकी मंदिरों में भी, दूसरे मंदिरों में भी दर्शन करते हुए अब अपन नीचे गंगा जी पे चलते हैं। अप्रतिम सौंदर्य, जी हाँ, गंगोत्री धाम का कह रही हूँ मैं। ये देखिए, पहाड़ों से घिरा हुआ गंगोत्री धाम है। और मैंने अभी आपको ये पूरे उधर मंदिरों में दर्शन करवाए हैं। अब आप ये देखिए, ये देखिए, गंगा भागीरथी बहती चली जा रही हैं कल कल ध्वनि के साथ में। ओहो, क्या वेग है। 18 सितंबर 2021, ये ऊपर तक देखिए, क्या सौंदर्य से भरपूर अप्रतिम पहाड़ों देवदार के वृक्षों के बीच में बसा हुआ यहाँ गंगोत्री धाम। यहाँ बड़ी किस्मत से आना होता है यहाँ। आज ही ये यहाँ पट खुले हैं 18 सितंबर 2021, और हम लोग पहले यात्री हैं, मैं, दादी जी शोभा साठे और दादाजी 79 उम्र के, हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ओ हो, देखिए गंगा माँ के, जय हो गंगा माँ। भगीरथ जी ने तपस्या करके ये गंगा माँ को हम लोगों के लिए, मानव कल्याण के लिए धरती पर बुलाया। चारों तरफ अप्रतिम सौंदर्य बिखरा हुआ है गंगा किनारे, और ऊपर को गंगा माँ के और दूसरे मंदिर हैं। ओ हो भाई, गजब है, गजब यानी गजब है। वाह भाई वाह। हम लोग देहरादून उत्तरकाशी हर्षिल होते हुए यहाँ पे गंगा धाम पे आए हैं। दर्शन करिए, दर्शन करिए, अपना जीवन सफल करिए। जय हो गंगा माँ। अप्रतिम, अवर्णनीय सौंदर्य से भरपूर गंगा धाम। गौमुख से गंगा जी यहाँ तक आती हैं और यहाँ से नीचे को बहती हैं, देवप्रयाग पे मिलती हैं। जी हाँ, हरिद्वार के पहले, वहाँ से फिर ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए नीचे जनता के लिए पहुँचती हैं। वो जो दूर हिमालय की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, वहीं तपस्या करी थी भगीरथ जी ने। हिमालयन की चोटियाँ यहाँ से दिखाई दे रही हैं। जय हो गंगा माँ भगीरथी। निर्मल धारा बह रही है ये गंगोत्री धाम पे, और ये देखिए, ये सब बने हुए हैं घाट पे। जी हाँ, शंकर भगवान की जय। ये बहुत खूबसूरत फोटो बने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर,
नमामि गंगे योजना के तहत ये सब हो रहा है। जय हो गंगा माँ। वाह भाई, अप्रतिम सौंदर्य से भरपूर 18 सितंबर 2021 को हम गंगोत्री धाम में आए हुए हैं, दादाजी और दादी जी मैं। आइए आप भी दर्शन कर लीजिए। जी हाँ, ये ओहो क्या खूबसूरत ये लगा के रखा हुआ है। ये देखिए, ये गंगा भागीरथी बहती चली आ रही है। अभी तो काम भी चालू है। जी हाँ, अभी काम चालू है। ये देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ, अभी और सब बन रहा है। अहो भाग्य जो दर्शन करने को मिले। ये गंगा भागीरथी चली आ रही हैं गौमुख से बहती हुई। जय हो गंगा माँ, जय हो गंगोत्री धाम उत्तराखंड।